ज्वाइन द क्लास बच्चों क्विकली। Join the class fast बच्चों, then I will start. Good morning, Sanjit. मेरी आवाज आ रही है बच्चों? संजीत मेरी आवाज आ रही है? Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. चलो फिर start करते हैं. बाकी नहीं आए हैं. आ गया सक्षम. Good morning, सक्षम. Good morning, ma'am. तो हम start करते हैं now. हमने कल तक किए थे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में. Now some important graphs. वैसे आप लोगों ने फिजिक्स में कर लिया होगा. अच्छा मुझे कल किसी का टेस्ट नहीं आया केमिस्ट्री का. संजय सेंड किया आपने? मैम नहीं. तुम भी करना नहीं फिर? मैम आज या कल कर दूंगा मैं. आज संजय दे दियो बेटा. केमिकल बॉन्डिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दे देना मुझे उसका. ठीक है फिर मैं आंसर की सेंड कर दूंगी. ओके आप लोगों ने फिजिक्स में वैसे किए होंगे ग्राफ्स, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं जो आपको पता होना चाहिए. आप सबको पता है स्लोप ऑफ लाइन का ग्राफ क्या होता है? वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. यस मैम. इसका ग्राफ कैसे बनता है पता है राइट? इसमें एम बी क्या है? जीरो से बड़ा. सी भी क्या है? जीरो से बड़ा. एम क्या है हमारे पास यहां पर? स्लोप. और सी क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट दिस पार्ट. सेकेंड ग्राफ कहते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स ओनली. अब ग्राफ कैसे बनता है? ओरिजिन से लाइन. This is your slope. Where m is greater than zero. Third graph is y is equal to mx plus c. But इस केस में m हमने negative लेना है और c positive लेना है. Then the graph will be this. जो m negative है हमारे पास. सी पॉजिटिव है बट नेगेटिव को हम उधर को जा रहा है. हमारे
Now m is positive and c is negative. मतलब कि m greater than 0, c less than 0. अब ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसा. ठीक है ना? Yes. m greater than 0 and c is less than 0. तो ये c का जो y intercept है ये वाला, ये नीचे को आया, negative को आ गया. ठीक है, less than 0. और y is equal to kx square. आप लोगों ने parabola graph भी draw किया होगा? Yes, ma'am. Parabola ऐसा होता है. अब समझा आपने physics में होगा कि कैसे कैसे graph बनते हैं ये. वो मैं नहीं बता रही. Y is equal to kx square जब k less than 0 है. ओके केमिस्ट्री में ऐसे कुछ नहीं है कि मुझे हर एक ग्राफ समझाना पड़े, बस कुछ ग्राफ्स हैं जो आपको याद रखने हैं. एज सच इरेज कर दूं? यस मैम. नाइन्थ ग्राफ इंपॉर्टेंट है जो हम यूज करेंगे. एक्स वाई दोनों क्या है स्पेस में? कॉन्स्टेंट. तो ये क्या बनाते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. लाइक दिस. अगर ex का ग्राफ ड्रॉ करना हो दैट्स इट. ये कुछ ग्राफ हैं जो आपको लर्न होने चाहिए, बस इतनी सी बात के लिए. ठीक? यस मैम. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जहां से क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से ही आते हैं बेसिकली. क्या है टॉपिक? लॉज ऑफ आइडियल गैस, और कह सकते हैं हम रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स. ये स्टेट वेरिएबल्स क्या थे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, आइडियल गैस के लॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारे पास? बॉयल्स लॉ. अब बॉयल्स लॉ में क्या होता है? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होता है. ये भी हम करेंगे एक्सप्लेन. चार्ल्स लॉ, एंड दिस प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज कॉन्स्टेंट. गैलोजिक्स लॉ, ये आप फर्स्ट चैप्टर में कर ही चुके हो. वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स इज कॉन्स्टेंट. एंड लास्ट इज एवोगैड्रोस लॉ, प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? कॉन्स्टेंट. हाँ जी, हुनर एंड जशन आप लोग भी आ गए हो. हमने स्टार्ट किया है लॉज ऑफ आइडियल गैस. इससे पहले ग्राफ्स किए थे, वो जस्ट नोट करने हैं, बाद में नोट कर लेना. हमारे पास बेसिकली ये फोर लॉज होते हैं, एंड दीज फोर लॉज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं.
इन लॉ को एक्सप्लेन करना भी आ सकता है और इन लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. Okay? तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ. लिख लो पहले इसके अंदर, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. हमने ही बात करी थी अभी कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है. अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है कहता है जो प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टी टेम्परेचर बोथ आर कॉन्स्टेंट इन दिस लॉ. कहता है किसी भी फिक्स मास आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है जब प्रेशर गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो उसके वॉल्यूम से. मतलब कि वो कहना चाहता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. इट मीन्स हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाय V. तो हम और क्या कह सकते हैं, P V इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. राइट संचित, सक्षम, हुनर? यस मैम. ठीक है, अगर मैंने PV is equal to K बोल दिया तो मैं बोल सकती हूँ hence P1 V1 is equal to P2 V2 which is called Boyle's law. P1 V1 is equal to P2 V2. क्लियर बच्चों यहाँ तक? यस मैम. यस मैम. हाँ बोल बेटा. इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. हम कहता है हम क्या बात कर रहे हैं, प्रेशर है एक साइड पे और एक साइड पे क्या है 1 बाय वी का वॉल्यूम. तो कहते हैं इस केस के अंदर ये मेरे पास तीन टेम्परेचर है T1, T2 एंड T3. कहते हैं हमें क्या पता है स्लोप क्या होती है, y इज इक्वल टू के एक्स, दिस इज योर y. Now assume, क्योंकि आइडियल इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू एन आर टी. हम क्या निकाल रहे हैं, P और 1 बाय वी. मतलब P यहां पर है, एन आर टी तो है यहां पर, और ये वॉल्यूम चला गया इधर 1 बाय वी. इट मीन्स P इज इक्वल टू के 1 बाय वी हमने यहां पर लिखा था. इट मीन्स क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल हो गई, k इज इक्वल टू एन आर टी. अगर ये k ज्यादा है तो टेम्परेचर भी क्या है, ज्यादा है. इट मीन्स ऐसे टेम्परेचर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है. इट मीन्स T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1. ये हमने यहां से निकाला. इतनी बात समझ में आई? Yes. इरेज कर दो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं हम बहुत सारे. ये P है और ये V है. याद हो मैंने एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का अभी ग्राफ बनवाया था कि X और Y दोनों का कॉन्स्टेंट होते हैं तो ग्राफ क्या बनता है ऐसा, राइट? इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स. मतलब कि टेम्परेचर क्या है यहां पर, कांस्टेंट है, एंड ग्राफ इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व. दिस कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म्स. क्लियर?
Now we want to see the nature of isotherms in Boyle's law. कुछ नेचर के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली कुछ ग्राफ बने बॉयल्स आइसोथर्म बनी वो क्या क्या आइसोथर्म्स हैं अगर हम सेकंड ग्राफ देखें प्रेशर और 1/V हो तो डायरेक्टली यहां से बनता है दिस इज कॉल्ड आइसोथर्म क्योंकि टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है अगर मैं थर्ड ग्राफ की बात करूं ये पीवी और यहाँ पे वॉल्यूम लो या प्रेशर लो तो ग्राफ बनेगा मेरा ऐसा दिस इज अगेन आइसोथर्म क्लियर बच्चों यस मैम इरेज कर दूं यस मैम लास्ट है इसका यहाँ पे बॉयल्स लॉ खत्म हो जाएगा कहता है P by V और 1/V इस केस के अंदर मेरा ग्राफ बनता है पैराबोलिक आइसोथर्म ये कैसे आया मेरे पास इसे हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं वी नो PV इज इक्वल टू K डिवाइड V square to both sides. P by V is equal to K 1/V का whole square. तो so Y is equal to KX square बनता है हमारे पास parabola graph. X क्या है 1/V, Y क्या है P by V. तो मेरे पास क्या बना parabola graph. Clear बच्चों? Yes, ma'am. चलो बॉयल्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं साथ के साथ क्वेश्चन लिख लो साथ साथ फटाफट देखो उसने कह दिया एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट टेम्परेचर देन फाइंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे बॉयल्स लॉ लगेगा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है ये फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है वो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहे हो बड़ा क्वेश्चन लिखो मैं 2 मिनट में आई
हाँ जी बच्चों, लास्ट वाला का है इसका ये पार्ट निकाल। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यस बच्चों, अ कैपिलरी ट्यूब एयर ट्रैप है उसके अंदर, ठीक है। एज्यूम करो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ निकालो उस एयर कॉलम की। ट्यूब इज वर्टिकली विद ओपन एंड, ठीक है। ये पार्ट निकालो और ये पार्ट निकालो। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। चलो फिर सॉल्व करें। अगर हम इसको इस इनिशियल पार्ट की बात करते हैं, देखो गैस कौन सी है इसके अंदर? आइडियल गैस। आइडियल गैस है, हमें पता होना चाहिए जो इस एरिया एयर पर प्रेशर पड़ रहा है बेटा वो हमेशा कितना होगा, 76 सेंटीमीटर एचजी। नॉर्मल प्रेशर क्या होता है? 76 सेंटीमीटर मर्करी। अब हमें करना क्या है? अगर हमें इस पहले वाले पार्ट पर फॉर्मूला तो क्या लगेगा बताइए? P1V1 इज इक्वल टू P2V2, राइट। और निकालना क्या है हमने हर एक क्वेश्चन में बेसिकली? लेंथ ऑफ एरिया कॉलम, हमने लेंथ निकालनी है। लेंथ कहां से आएगी? वॉल्यूम से। देखो अगर हम बात करें P1 पे कितना है हमारे पास? 76। ये वॉल्यूम पे हमें कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम में दिया हुआ हमें ये बेसिकली। देखो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट, है ना। आपको एरिया नहीं दिया हुआ, आपको इसकी हाइट दी हुई है 20। तो ये कितना होगा? 20 इनटू ए इज इक्वल टू, आपको वो पूछ रहा है प्रेशर। किसका प्रेशर? इस क्वेश्चन में कहता है इस पॉइंट पर, इसका हमें ये निकालना है ना, तो इस पॉइंट पर कितना प्रेशर पड़ रहा है बता सकते हो आप? ये है 76, ये है 8, तो बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर कितना पड़ रहा है? और ये है एक्स जो हमने निकालना है। बताओ संचित सक्षम, हमने पहले कल यही चीजें करी थी। बताओ इस पॉइंट पर प्रेशर कितना पड़ रहा है? बताओ गलत मलत कुछ तो बताओ। 76 माइनस 8। माइनस नहीं, प्लस। संचित नीचे से निकाल रहे हैं हम। ओके ओके, निकालो तो ऊपर का खुला है तो यहाँ से प्लस होगा, ये बंद है तो यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस करेंगे इसको तो कितना आया? 84 इनटू इसी की हाइट हमने निकालनी है और एरिया ए। आया समझ में? यस मैम। ए से ए कैंसिल, एक्स निकाल लोगे 76 इनटू 20 अपॉन 84, ये आंसर आ जाएगा, ये हाइट आ जाएगी इसकी सॉल्व करके। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। ये भी सेम, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 तो वही रहेगा 76 20 इनटू ए, अब P2 क्या आएगा इस केस के अंदर बोलो? 76 माइनस 8, हाँ दैट इज 68 इनटू, यहां मैंने x लिया था, यहां मैं y ले रही हूं, y इनटू a, ऐसे a कैंसिल, तो ये y आपका इजीली निकल जाएगा, राइट। हाँ जी लास्ट वाला 76 20 इनटू a इज इक्वल टू, यहां प्रेशर क्या आएगा तुम लोगों का? प्लस होगा ये भी, ठीक है ना, ऊपर को वर्ड खुला है ना, ये प्लस होगा, लेकिन 76 प्लस 8 साइन 45 डिग्री ऐसा, राइट। यही होगा ना? यस मैम। यस मैम। जेड इनटू ए, ए से ए कैंसिल, यहां से जेड निकाल लेना। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हमने कैसे बॉयल्स लॉ लगाया यहां पर? यस। इरेज कर दूं, आगे करें? यस मैम। ओके।
your next is next law is Charles law. Because the under for a fixed mass of an ideal gas at constant pressure, the volume of ideal gas is directly proportional to temperature in Kelvin. क्या बोला इसने? At constant pressure means number of moles and pressure is constant. कहता है जब ये constant है तो volume क्या है? Directly proportional है temperature के. It means V is equal to KT, और आप कह सकते हो V by T is equal to K is equal to constant. It means V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, which is called your Charles law. Clear? Yes, ma'am. Graph draw करते हैं अगेन इसके अंदर. Volume and temperature in Kelvin. क्या constant है? Pressure. P1, P2, P3. तो अगर मैं ये सॉल्व करके देखूं अकॉर्डिंग टू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी के अकॉर्डिंगली, मुझे क्या चाहिए था? वी और टी चाहिए ना. तो यहाँ पे क्या बचा? एन आर बाय पी. तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? के इक्वल. अगर के ज्यादा है तो प्रेशर क्या है? कम है. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इट मीन्स प्रेशर P1 का प्रेशर ज्यादा, फिर P2 का और फिर P3 का. ओके वहां पे प्रेशर कम से ज्यादा था, यहां ज्यादा से कम हो रहा है वहां टेम्परेचर. अगर इसका फर्स्ट ग्राफ ड्रॉ करें वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन. जैसे कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को हम आइसोथर्म बोलते थे, कॉन्स्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स. ओके, आइसोबार्स. अगला ग्राफ है V by T is equal to K का. ये V by T है और ये V और T है. अगेन उसी केस के अंदर ये भी आइसोबार बना स्ट्रेट. V by T is equal to constant, मतलब कि V into 1 by T. ये X है और ये Y है. ये X है, ये Y है. क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्लियर? ठीक है, डन? यस मैम. चार्ल्स लॉ में बेटा एक बात और आती है, वो लिखो पहले ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये वाली बात. लिखो फॉर अ fixed mass of an ideal gas at
कॉन्स्टेंट प्रेशर the volume of ideal gas increases or decreases by 1 upon 273 times. The volume occupied at 0 degree Celsius. For per degree increase or decrease in temperature. ये क्या बोलना चाहती है देखो देखो कहते हैं फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम है गैस का वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा बाय 1/273 टाइम्स से क्या कहना चाहता है वो बेसिकली कहता है ये तो ग्राफ हमने बनाया अभी दिस इज कॉल्ड आइसोबार्स लेकिन कहता है एक ग्राफ क्या बनता है ऐसे जिसके अंदर हमें क्या पता लग रहा है -273 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज योर वी नॉट कहते हैं इफ टेम्परेचर इज -273 डिग्री सेल्सियस देन वी इज इक्वल टू वी नॉट -273 बाय 273 वी नॉट कहा था ना इसने 1/273 तो ये कट गया वी नॉट से वी नॉट भी कट गया तो ये क्या हो गया 0 डिग्री काल में मतलब वो ये कहना चाहता है सिंपल सी भाषा में अगर हम एक लाइन लिखें यहां पर कहता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी गैसियस स्टेट ऑफ मैटर at -273 degrees Celsius or 0 degree Kelvin. और आप कह सकते हो basically कहता है अभी हमने बताया V is equal to KT तो मैं लिख सकती हूँ V is equal to K T plus 273 जब कैल्विन में चेंज किया तो क्या बन गया ये KT plus 273 K V स्लोप क्या हो गई यहां पर KT तो KT is equal to V minus 273 it means टेम्परेचर है वो क्या हो गया -273 डिग्री सेल्सियस तभी मेरा ये वाला ग्राफ बना उस केस के अंदर आई बात समझ बच्चों कि मतलब कि चार्ल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर यहां पर नेगेटिव भी हो रहा है -273 डिग्री सेल्सियस और जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर 0 डिग्री केल्विन आता है तो कहता है कोई भी गैसियस स्टेट मैटर एग्जिस्ट नहीं करता इसके अंदर क्लियर हुई बात संजीत कक्षा यस यस मैम चलो भाई बस लास्ट टू क्वेश्चंस जो बाकी के दो लॉज बच गए वो कल करेंगे दो क्वेश्चंस हैं वो कर लो
हाँ जी, कौन सा लगेगा फॉर्मूला इसके अंदर? इतना सैंपल लीटर का गैस का इतने प्रेशर में दिया हुआ है, तो इतना सैंपल लीटर का कितने प्रेशर में होगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये पूछ रहा है वो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलो क्या लिखूं, फटाफट बोलो जल्दी बोलो, क्या कौन सा लॉ लगेगा? सेकंड। हाँ आंसर नहीं पूछा बेटा, लॉ कौन सा लगेगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर? P1V1 = P2V2, बॉयल्स लॉ। ये 760 दिया हुआ है आपको, ये 1 लीटर दिया हुआ है आपको, ये P2 निकालना है, 0.80 लीटर दिया हुआ है आपको, क्या दिक्कत है? यहां से P2 निकाल लो, 950 टॉर आंसर आ गया। आई बात समझ? यस मैम। भाई लॉ लगाना था हमने, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लॉ क्या लग गया? बॉयल्स लॉ। सेकंड क्वेश्चन, हाँ जी समझ में आया? सैंपल गैस दिया हुआ है, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर पर इतना टेम्परेचर है और फाइनल वॉल्यूम इतनी है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम इतनी होगी, कौन सा लॉ लगेगा? बोलो। सेकंड लॉ। हाँ चार्ल्स लॉ, इट इज V1/T1 = V2/T2। ओरिजिनल वॉल्यूम वो V1 पूछ रहा है हमसे, और इस V1 पे टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 57 + 273 and 27 + 273, दोनों को चेंज करना है इसमें। V2 कितना है? 4.75 / दूसरा आया 330, बस सॉल्व कर दो, V1 आ जाएगा आपको यहाँ पर। ओके मैम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सा लॉ लगाने हैं हमने। मैम रिकॉर्डिंग भेज दोगे? हाँ जी बेटा, मैं अभी भेज दूंगी रिकॉर्डिंग को।